हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज मेरे पास पोको X3 का मोबाइल आया हुआ है जिसमें साउंड नो साउंड है, इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम इसे डिसेंबल करने वाले हैं और फिर देखेंगे इसमें क्या वर्क हुआ है और इसे कैसे रिपेयर होता है। मैंने यहाँ पे बोर्ड डिसेंबल करके आउट कर लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे वर्क हुआ है। बहुत बैडली वर्क हुआ है ये रिंगर आईसी के पास, बट इसका हम सीपीयू देखते हैं फिर, चूँकि हमें आईसी पे रिंगर आईसी पे वर्क नहीं करना है। तो दोस्तों, इसमें 7150 SN ये सीपीयू लगा हुआ है, तो इसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको जो है रिवॉल्विंग कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इसमें 7150 CPU लगी हुई है। तो इसका ऑडियो का प्रॉब्लम हो या टच का प्रॉब्लम हो, जनरली हमें CPU रिवॉल्विंग से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, चाहे पोको X2 हो या X3 हो या अदर भी मॉडल हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे असेंबल करने वाले हैं, फिर हम चेक करेंगे साउंड हमारा सॉल्व हुआ। गाइज, मैंने मोबाइल को अच्छे से असेंबल कर लिया है और यहाँ पे अभी हम पावर ऑन कर दिए हैं और फिर चेक करेंगे हमारा सेट जो है ये कंप्लीट
साउंड ऑडियो का प्रॉब्लम इसका सॉल्व होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन भी ऑलरेडी पहले से वर्क कर चुके थे, तो अभी हम चेक करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आने वाले डे में ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, अभी हमारा सेट ऑन हो चुका है सीपीयू रिवाइंडिंग के बाद, और यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं, ऑडियो टेस्ट इसका करने वाले हैं कि हमारा म्यूज़िक इसमें नहीं प्ले हो रहा था ऑडियो का कोई भी। तो इसको देखते हैं कि हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं साउंड प्रॉब्लम। गाइज, आपने देखा यहाँ पे मैंने कैसे ऑडियो प्रॉब्लम पोको X3 का शॉर्ट आउट किया सीपीयू रिवॉल्विंग के द्वारा। तो इस तरह आप हमें पार्सल के थ्रू भी मोबाइल भेज सकते हैं और अपना मोबाइल अच्छे से रिपेयर करा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपके पास पोको X3 का सेट है तो शायद आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।